नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हक इन क्रेस ऑफ टेक में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का क्या यूज़ है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप क्या होता है, जो भी आपका सी का प्रोग्राम होता है उसमें आप काफ़ी सारे तरीके के डेटा यूज़ करते हो, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर हैं क्या। तो जो भी आपके पूर्ण संख्या होती है, यानी कि डेसिमल नंबर बिना पॉइंट वाले, जैसे 1, 2, 4, 15, 16, 20, 1000, 2000, 50000, ये है इंटीजर। और जो फ्लोट होता है, फ्लोट होता है आपका डेसिमल वाला, जैसे कि 2.6, या फिर जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1416, तो ये सभी आपके फ्लोट नंबर में आते हैं। और करेक्टर आपका नॉर्मली ABCZ, ये सभी आपके करेक्टर हैं। तो इन सभी के ना अलग अलग तरीके के डेटा टाइप होते हैं जो हम सी में यूज़ करते हैं। और जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, अगर आपको वेरिएबल के बारे में जानना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप वेरिएबल के बारे में अच्छे से जान लेंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ, वेरिएबल आपका एक वो चीज़ है जिसमें कि आप वैल्यू को स्टोर करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सी लैंग्वेज में आपको पता ही है कि काफ़ी सारे डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं, और कुछ तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप हैं, उसकी बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं, और जो भी अपना प्रोग्राम है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा टाइप्स का यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके का डेटा टाइप पहले से ही डिफाइन है। तो हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई एक तो प्राइमरी डेटा टाइप होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप को हम कह सकते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि कंपाइलर को पहले से ही इन डेटा टाइप्स के बारे में पता है। और जो सेकेंडरी डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप से ड्राइव्ड, या फिर इसे हम ड्रिवन डेटा टाइप भी बोल दिया करते हैं। और प्राइमरी डेटा टाइप हमारे तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंटीजर, करेक्टर और फ्लोट। वॉइड भी हमारे प्राइमरी डेटा टाइप में हम मान सकते हैं। और अब यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। जैसे इंटीजर दो तरीके का होता है, साइंड और अनसाइंड। अब साइंड में भी आप देख पा रहे हैं कि भाई इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। इसी तरीके से अनसाइंड में भी इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो इनका बाइट रिजर्व्ड है, कितनी मेमोरी ले रहे हैं, इन सब पर ये वेरी करता है। और करेक्टर भी हम देख पा रहे हैं कि भाई करेक्टर भी हमारा साइंड और अनसाइंड है। और फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये हैं हमारे फ्लोट के वेरिएशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर टाइप्स की। तो जो हमारे इंटीजर डेटा टाइप होता है, इसका सिंटैक्स होता है इंट, INT। और हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमारे को इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो लिखना है इंट, उसके बाद स्पेस और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम, जैसे कि इंट वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 नाम का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। और शॉर्ट इंट वैल्यू 2 या फिर लॉन्ग इंट वैल्यू 3, इस तरीके से हम तीन अलग अलग टाइप के डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं जो कि सारे इंट होंगे। अब इनमें इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इन सब में जो डिफरेंस है ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा। इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं 5, 6, 100, 150, 250, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स क्या हो गया, FLOAT, फ्लोट। और फ्लोट स्पेस वैल्यू 1 या फिर डबल वैल्यू 2 और लॉन्ग डबल वैल्यू 3, बस इसमें मेमोरी कंजप्शन का अलग हो जाता है। और फ्लोट आपका कैसे स्टोर करता है वैल्यू, वो डेसीमल वाली, जैसे कि 9.12, 3.1415, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं करेक्टर टाइप की, तो करेक्टर का सिंटैक्स होता है char, कैर। और कैर ch लिखेंगे तो ch नाम से आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लिखते हैं कैर ch इक्वल टू कोट्स में a, तो क्या होगा, आपका a इस ch नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो कि आपका करेक्टर टाइप का है। ABGS, आप इसमें कुछ भी सिंगल करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। और याद रखिए कि यहाँ पर सिंगल करेक्टर ही आएगा, क्योंकि अगर आप करेक्टर काफ़ी सारे करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ करेक्टर इन एरे कॉल्ड स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग हो जाएगा, जिसकी बात हम आगे वीडियो लेक्चर्स में करेंगे।
तो दोस्तों किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, और उसके लिए हमारे को पर्टिकुलर डेटा टाइप पता होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं इस मास्टर टेबल को। अब अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया है, साइंड और अनसाइंड। साइंड भी दो टाइप का होता है, फर्दर एक शॉर्ट एक लॉन्ग। इसी तरीके से अनसाइंड भी दो टाइप का होता है, शॉर्ट और लॉन्ग। तो इंटीजर साइंड शॉर्ट के बारे में पहले बात करेंगे। तो इसका कीवर्ड होता है इंट। रेंज होती है -32768 से लेकर +32768 तक। जो बाइट रिजर्व करता है ये दो बाइट्स करता है, और ध्यान दीजिएगा कि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, तो दो बाइट में हो गए 16 बिट। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका वो हो जाएगा परसेंटाइल डी। एग्जांपल इसका शॉर्ट इंट जे, या फिर आप शॉर्ट जे लिखेंगे तब भी काम चलेगा। इसी तरीके से अगर हम इंटीजर साइंड लॉन्ग की बात करेंगे, तो इसका कीवर्ड है लॉन्ग इंट, या फिर आप लॉन्ग लिखेंगे तब भी चलेगा। रेंज इसके -21474836487 से लेकर +21474836487। जो बाइट रिजर्व्ड करता है ये आपके 4 बाइट्स रिजर्व्ड करता है, क्योंकि ये साइंड है। और जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटाइल एलडी, और इसका एग्जांपल हो जाएगा लॉन्ग इंट आई, या फिर लॉन्ग आई से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर अनसाइंड शॉर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका कीवर्ड है अनसाइंड इंट। रेंज है इसकी 0265535, और बाइट रिजर्व करता है 2 बाइट्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका परसेंटाइल यू, और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं अनसाइंड शॉर्ट इंट आई। आई यहां पर आपका वेरिएबल है। इंटीजर अनसाइंड लॉन्ग अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसका कीवर्ड होगा अनसाइंड लॉन्ग इंट, या फिर अनसाइंड लॉन्ग। रेंज है 0242949679295, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बाइट रिजर्व करता है 4 बाइट, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल एलयू। तो ये थी बात हमारे इंटीजर और इसके सब टाइप की। अब अगर हम बात करते हैं फ्लोट की, तो फ्लोट 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो फ्लोट का कीवर्ड है फ्लोट। रेंज है 3.4×10⁻¹ to 3.4×10⁻+8। जो बाइट रिजर्व करता है 4 बाइट रिजर्व करता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल एफ। उसी तरीके से अगर डबल की बात करें, तो भाई डबल इसका कीवर्ड है। रेंज है 1.7×10⁻³⁸ to 1.7×10⁻³⁸, 8 बाइट रिजर्व करता है, और परसेंटाइल LF इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। लॉन्ग डबल की बात करें, तो 1.7×10⁻⁴⁹ to 1.7×10⁻⁴⁹, ये इसका है रेंज। बाइट की बात करें, तो 10 बाइट रिजर्व करता है लॉन्ग डबल सबसे ज़्यादा, और परसेंटाइल LF इसका है फॉर्मेट स्पेसिफायर। करेक्टर हमारा दो टाइप का होता है, वही साइंड और अनसाइंड। तो इसका कीवर्ड साइंड का है साइंड कैर, और अनसाइंड का है अनसाइंड कैर। जो रेंज है -128 to +127, और जो अनसाइंड है उसकी रेंज है 0 to 255। बाइट रिजर्व कर रहा है 1 बाइट, और अनसाइंड कर रहा है वो भी 1 बाइट, और फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों का ही परसेंटाइल सी है। अब मैं आपको बता देता हूँ भैया रेंज किस तरह से निकाली जाती है। जो भी आपके बाइट्स हैं उनको बिट में चेंज कर लीजिए। जैसे कि 1 बाइट है तो उसके कितने बिट हो गए, 8 बिट, और 2 to the power जितने भी बाइट हैं, सॉरी 2 to the power जितने भी बिट हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका रेंज आएगा। जैसे 2 to the power 8 क्या होता है, 256, और अगर इसको 0 से देखेंगे तो 0 to n-1, यानी कि 256-1, यानी कि 0 to 255। तो ये था रेंज निकालने का फॉर्मूला। आप इस तरीके से सभी डेटा टाइप्स की रेंज निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वॉइड टाइप की, तो वॉइड टाइप की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से इसको ऐसा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जैसे आप इंटीजर और फ्लोट को करते हैं। और बेसिकली वॉइड टाइप का यूज़ होता है आपके फंक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए, फंक्शन के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए। और जो सेकेंडरी टाइप के डेटा टाइप हैं, यानी कि डराइव्ड डेटा टाइप, जो प्राइमरी डेटा टाइप से ड्राइव्ड होते हैं, तो वो होते हैं हमारे एरे, लिंक्ड लिस्ट, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम, इस तरह से। तो ये था दोस्तों हमारा लेक्चर डेटा टाइप पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप अपने डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आपको हमारे यहाँ ब्लॉग पर इसके नोट्स मिल जाएंगे, और ब्लॉग है हमारा hakinkuresoftech.blogspot.in।
थैंक यू।